नमस्कार साथियों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं IAS PCS प्रीलिम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख रहे हैं और उनके आंसर्स। तो इसमें हम लोग अभी तक 19 टेस्ट ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। ये आपका 20वां है, याद रखिए जितने भी ये आपके टेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं ये सभी जनरल स्टडीज के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डाल देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है हमारे देश की सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से लगती है और सबसे कम लगती है आपकी अफगानिस्तान से, ठीक है। अफगानिस्तान से आपका POK वाला हिस्सा लगता है, तो याद रखिए। सबसे पहले बता दूं आपको कि अपने भारत के सभी राज्य आपको कंठस्थ याद होना चाहिए उनका क्रम, जिससे क्या होगा कि अगर किसी भी देश से अगर सीमा पूछता है तो आप बता सकें। तो इसमें आपका होगा पश्चिम बंगाल की लगती है, असम की लगती है और आपकी मिजोरम की लगती है, सिक्किम की नहीं लगती है। सिक्किम की आपकी भूटान से भी लगती है, नेपाल से लगती है और चाइना से लगती है, ठीक है। तीन देशों से लगती है सिक्किम की, भूटान, चीन और नेपाल। पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम की आपकी बांग्लादेश से लगती है। तो इसमें आपका होगा बी ऑप्शन सही, 1-3-4। क्या है 1-3-4? चिकन नेक गलियारा या सिलीगुड़ी गलियारा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक संकीर्ण भूमि क्षेत्र है जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच स्थित है। इसलिए सिक्किम की भूमि सीमा बांग्लादेश से नहीं लगी हुई है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा से, असम के साथ बांग्लादेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से की सीमाएँ, जबकि मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश के पूर्वी भाग की सीमाएँ लगी हुई। त्रिपुरा को बांग्लादेश तीनों तरफ से घेरे हुए, ठीक। तो इसमें आपका बी है। क्वेश्चन है आपका दूसरा क्या होगा, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। हमें पता करना है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपकी राजस्थान से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, ये गुजरात से भी गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश से और त्रिपुरा से गुजरती है। किससे? आपकी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश और त्रिपुरा, इसमें सी ऑप्शन होगा। जैसा कि आपको पता होगा कर्क रेखा वह रेखा है जो विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर से गुजरती है। यह सबसे उत्तर में स्थित वह अक्षांश है जहाँ सूर्य सीधे लंबवत होता है। यह भारत के निम्नलिखित राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन से हैं वो राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, कर्क रेखा आपकी कहाँ कहाँ से गुजरती है, कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। दूसरे का आपका सी था ऑप्शन सही। याद रखिए आपकी टेलीग्राम पर जितनी भी PDF होती हैं सब डाल देता हूँ, ठीक। क्वेश्चन है तीसरा, पूर्वी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पूर्वी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। अनाई मुड़ी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपका गलत है। गोदावरी, महानदी और कृष्णा जैसी नदियां पूर्वी घाट से होकर ही बहती हैं, ये सही है आपका। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट नवीन पर्वत श्रेणी है जो असतत पहाड़ियों की श्रेणी है, ये भी आपका गलत है। केवल दो इसमें कथन सही है, जो पहला आपका और तीसरा गलत है। इसमें सही क्या होगा?
पूर्वी घाट महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट बेतरतीब और अनियमित है, बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियों से विक्षेपित है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। फिर से याद रखिए, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि अनाई मुड़ी आपकी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पूर्वी घाट पश्चिम घाट से पुराने हैं, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से पुराना है। हालांकि सालों तक होने वाले अपरदन के कारण पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कम हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन है 4, क्या है? बेहद हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, सही कथन चुनना है। बेहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय की बाह्यतम श्रेणी है, गलत है। बेहद हिमालय की परतें प्रकृति में सम्मित हैं, ये भी आपका गलत है, यानी कि दोनों कथन आपके गलत हैं, डी ऑप्शन होगा। आखिर इसमें सही क्या होंगे? हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसका विस्तार 10 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई में है तथा इसकी ऊंचाई 900 मीटर से 1100 मीटर के बीच है। ठीक है, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला को बेहद हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है, या हिमालय की औसत 6000 मीटर की ऊंचाई वाली चोटियों वाली सबसे सतत श्रृंखला है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित उबड़ खाबड़ पर्वत श्रृंखला है, जिसे हिमालय का लघु हिमालय हिमालय या लघु हिमालय कहा जाता है। बेहद हिमालय के बलय असममित प्रकृति के हैं। इसकी चौड़ाई पश्चिम में सर्वाधिक है और पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन है 5, क्या है? क्वेश्चन है 5, उत्तरी मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा नवीन जलोढ़ मृदा से बना है, जिसे खादर कहते हैं, गलत है। खादर मृदा गहन कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, ये भी आपका गलत है। बांगर क्षेत्र में नदी जलधाराएं विलुप्त हो जाती हैं और तराई क्षेत्र में पुनः अवतरित हो जाती हैं, ये भी आपका गलत है। यानी कि अपने इसमें तीनों कथन गलत हैं, क्या होगा? 5 का डी होगा। उत्तरी मैदान सही तीनों गलत कथन है, तो इसमें सही आखिर क्या होगा? सुनिए सही, उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है या बाढ़कृत मैदानों के ऊपर स्थित है। इसे बांगर के रूप में जाना जाता है, ठीक, ना कि खादर। दूसरा है, यह निक्षेपों को खादर कहा जाता है। नए निक्षेपों को क्या कहते हैं? खादर। ये हर वर्ष नए निर्मित होते हैं, यह उपजाऊ भूमि होती है और गहन खेती के लिए आदर्श होती है। तीसरे कथन में सही होगा कि शिवालिक के दक्षिण में और उसके समांतर विस्तृत 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को भाबर प्रदेश कहा जाता है। जब नदियां पर्वतीय भाग में नीचे उतरती हैं तो कंकड़ पत्थर व भारी अवसाद का निक्षेप पर्वत के किनारे पर कर देती हैं। इन्हीं अवसादों से आपका भाबर का निर्माण होता है। पर्वतों से उतरने के बाद भाबर में नदियां विलुप्त हो जाती हैं। क्वेश्चन है 6वां, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 6वां, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। सही कथन देखना है। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है, सही बात है। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत बड़ा है और उभरे हुए तट का उदाहरण है, ये भी आपका सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। इसमें दोनों कथन सही हैं आपके। क्वेश्चन है आपका अगला 7, क्या है? छोटी पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक भाग है? तो याद रखना, पूर्वी घाट का, सी ऑप्शन सही है। छोटी पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह निम्नलिखित में से किसका संरचनात्मक भाग है? पूर्वी घाट का। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 8, क्या है क्वेश्चन अगला है आपका 8, क्या है?
निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार। कयाल का इस्तेमाल मछली पकड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन अंतर्देशीय नौचालन के लिए नहीं। ये आपका गलत है। बैरन द्वीप दक्षिण एशिया का एकमात्र घोषित सक्रिय ज्वालामुखी है। सही है। नारकोंडम द्वीप सुसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण है। ये भी सही है, यानी कि इसमें सी ऑप्शन सही होगा। 2 और 3 कथन सही है। कयाल का इस्तेमाल केरल में मछली पकड़ने और अंतर्देशीय नौचालन और पर्यटन के लिए किया जाता है। हर साल केरल के पुन्नामाड़ा कयाल में प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी आयोजित की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 9। क्या है क्वेश्चन? रिची आर्की फ्लेगो और लेब्रिनेट द्वीप समूह के भाग हैं। ये हैं आपके बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह के। 9 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका 10। क्या है 10? क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। अरुणाचल प्रदेश भारतीय संघ का सबसे पूर्व में स्थित राज्य। सही है। भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। आपका गलत है। कावारती शहर निकोबार द्वीप में अवस्थित है। ये आपका गलत है। इसमें केवल एक कथन आपका सही है। कथन 2 और कथन 3 गलत हैं। आखिर इसमें सही क्या हुआ? भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है, ना कि कन्याकुमारी। याद रखना है, भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ना कि कन्याकुमारी। ठीक है। कावारती भारत के केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप को पूर्व में लक्का द्वीप, मिनीकॉय और अमीनी द्वीप द्वीप समूह के रूप में जाना जाता था। यह भारत के दक्षिण पश्चिम तट से 200 से 240 किलोमीटर की दूरी पर लक्का द्वीप समूह में द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन 11। क्या है क्वेश्चन 11? निम्नलिखित दर्रों को पहचानिए और संबंधित राज्यों के साथ सम्मिलित करना है हमें। तंगलांग दर्रा, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। हल्दी घाटी, ये आपका राजस्थान में है। दीपू आपका अरुणाचल प्रदेश में है। असीरगढ़, ये आपका मध्य प्रदेश में है। तंगलांग ला, ये आपका जम्मू कश्मीर। हल्दी घाटी राजस्थान, दीपू अरुणाचल प्रदेश, असीरगढ़ मध्य प्रदेश। तो इसमें आपका होगा डी, 11 का डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 12। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 12, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ते हैं? क्या है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ते हैं? श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक और पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक। ठीक है, बी ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है आपका 13। क्या है? थार मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह एक ऊबड़ खाबड़ भूतल है जहां बहुत से अनुदैर्ध्य वलुका टिब्बे और बरखान पाए जाते हैं। सही बात है। यहाँ निम्न वनस्पति आवरण के साथ शुष्क जलवायु पाई जाती है। ये भी आपका सही है, यानी कि 13 में आपका सी ऑप्शन होगा। 1 और 2 दोनों सही होंगे। क्वेश्चन है 14। क्या है 14? निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पटकाईबुम हिमालय पर्वत प्रणाली का हिस्सा नहीं है। क्या है? हिस्सा नहीं है। यह आपका गलत है। मणिपुर को मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है। ये भी आपका गलत है। लुसाई पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ये आपका सही है।
फूमड़ी के लिए प्रसिद्ध लोकटक झील नागालैंड में स्थित है, ये भी आपका गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही नहीं है, तो इसमें आपका 1, 2 और 4 सही नहीं है, केवल 3 कथन इसमें सही था, तो इसमें होगा बी। ठीक है, आखिर इसमें सही क्या होंगे? पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां हिमालय पर्वत प्रणाली के भाग हैं, जिनका सामान्य संरेखण रेखण दक्षिण दिशा में है। इसे विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तर में ये पटकाईबुम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, दक्षिण में मिजो या लुसाई पहाड़ियाँ के नाम से जानी जाती हैं। मिजोरम को मोलासिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। मिजोरम में बड़ी संख्या में पर्वत हैं, अधिकांश पहाड़ों की संरचनाएँ और खड़ी घाटियाँ एक साथ पाई जाती हैं। पहाड़ों के समानांतर घाटियाँ जैसे जैसी ढलाई पाई जाती हैं। इन ढालों में मोलासिस के साथ अवसाद जमा होते हैं। लोकटक का झील आपकी मणिपुर में है, ना कि नागालैंड में। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन होगा अगला 15। क्या है? भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो यह है आपकी नीलगिरी पहाड़ियों पर। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, इसकी ऊंचाई आपकी 2637 मीटर। ठीक है, याद रखना है। और प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, 2695 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 16। क्या है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रदान किया जाता है, ये आपका गलत है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को आगे बढ़ाने के महत्वपूर्ण कार्य के लिए वर्ष 2018 का पुरस्कार भारत और फ्रांस को दिया गया है, ये सही है। यह पुरस्कार सरकार, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के उत्कृष्ट पर्यावरणीय नेतृत्वकर्ताओं को दिया जाता है, ये भी आपका सही है। इसमें 2 और 3 सही है, केवल एक कथन आपका गलत है। एक में आखिर सही क्या होगा? तो याद रखना है, यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 17। क्या है? 17वां क्वेश्चन है हमारा, कभी कभी समाचारों में दिखने वाली ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से हमें सही कथन चुनना है। यह भारत की प्रथम स्वदेशी निर्मित इंजन ट्रेन है, रह ट्रेन है, सही है। यह वर्तमान में भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है, ये भी आपका सही है। वर्तमान में यह ट्रेन देश में सबसे लंबी दूरी की तय करती है, ये आपका गलत है। इसमें 1 और 2 कथन सही है आपका, तीसरा गलत है। विवेक एक्सप्रेस, कौन सी? विवेक एक्सप्रेस भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे लंबी रेल दूरी तय करने वाली ट्रेन है। यह 4273 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उत्तर पूर्व भारत में असम के डिब्रूगढ़ को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा अगला 18। क्या है 18 क्वेश्चन? हाल ही में नाबार्ड ने हरित जलवायु कोष के साथ $100 मिलियन के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। भारत में हरित जलवायु कोष के लिए नाबार्ड राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई है, ये सही है। जीसीएफ विश्व बैंक द्वारा शासित है, ये आपका गलत है। कोई भी विकासशील देश जो UNFCCC का सदस्य है जीसीएफ संसाधनों का पात्र होता है, ये भी आपका सही है। 1 और 3 कथन 18 में सही है। क्या है?
1-3 सही है। यह कोष 24 सदस्यीय बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे GCF बोर्ड कहा जाता है, जिसमें विकसित और विकासशील देश समान रूप से शामिल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 19। क्या 19? दिसंबर 2018 में समाचारों में रहा था पद रियाद घोषणा निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित थी? ये थी आपकी खाड़ी सहयोग परिषद से। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 20। क्या है क्वेश्चन? पॉलीलैक्टिक एसिड वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम बायोप्लास्टिक है। निम्नलिखित में से कौन से कूड़े से बायोप्लास्टिक के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सामग्री बनाते हैं? PLA प्लास्टिक को प्राकृतिक गैस निहित हाइड्रोकार्बन और कच्चे तेल से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ये आपका गलत है। ये वाणिज्यिक खाद्य प्रतिष्ठानों में प्राकृतिक तत्वों में आसानी से विघटित हो सकते हैं। ये आपका सही है। ये जलाए जाने वाले विषैली धुएं का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ये भी सही है। इसमें आपका कथन 2 और कथन 3 सही होगा। कथन 1 गलत होगा। इसमें सही क्या होगा? पॉलीलैक्टिक एसिड PLA मकई सत्त स्टार्च या गन्ने जैसे अक्षय संसाधनों से प्राप्त होता है। इसे आलू या अन्य पौधों से भी बनाया जा सकता है। यह पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है 21। क्या है? समाचारों में दिखाई देने वाले सैलेस नायक समिति निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित है? सैलेस नायक समिति का संबंध आपका तटीय क्षेत्र के नियमों में संशोधन से है। ए ऑप्शन सही है। 2011 में इसका गठन किया गया था। क्वेश्चन है हमारा 22। क्या है? एक्सीड सेट फर्स्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? यह एक सुदूर संवेदी उपग्रह है। गलत है। यह भारत का निजी स्तर पर पूर्ण रूप से निर्मित प्रथम उपग्रह है, जिसे अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। ये सही है। इसे इसरो के कार्योपयोगी PSLV का उपयोग कर प्रक्षेपित किया गया है। ये भी आपका गलत है। इसमें केवल एक कथन, दो कथन सही है। ठीक है, यह एक पूर्ण संचार उपग्रह है। इसका उद्देश्य निजी है रेडियो ऑप्टरों को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। यह एक सुदूर संवेदी उपग्रह नहीं है। यह उपग्रह मुंबई स्थित स्टार्टअप कंपनी एक्सीड स्पेस द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, एक्सीड सेट फर्स्ट भारत का पूर्ण रूप से निजी स्तर पर निर्मित प्रथम उपग्रह है, जिसे स्पेस एक्स द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। क्वेश्चन है आपका 23। समाचारों में देखने वाले पद हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट निम्नलिखित में मिशनों में से किससे संबंधित है? तो यह होगा आपका मंगल टोही परिक्रमा यान से, MRO से संबंधित। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 24। क्या है क्वेश्चन है 24? UNFCCC COP24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। इसका आयोजन काटोवेस पोलैंड में किया गया था। सही है, यह पेरिस समझौते के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देशों व नियमों को अंतिम रूप देने पर केंद्रित था। ये भी सही है, यानी कि आपके कथन दोनों सही हैं, लेकिन इसमें पूछा है क्या है? सही नहीं है। इसमें क्या पूछा है? सही नहीं है। तो ना तो ये सही है, सही नहीं है, और ना ही दो। इसमें क्या होगा? डी। लेकिन अगर यहाँ पूछता सही कौन कौन से सही, तो आपके दोनों कथन सही है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, इसी तरह तो फंसा देते हैं, इसीलिए गलत हो जाते हैं, तो आपको हमेशा यहाँ पढ़ लिया करिए। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 25। क्या है 25? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2018 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है?
यह शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवसर व राजनीति, राजनीतिक सशक्तिकरण पर आधारित असमानताओं की जांच करता है। सही है। इसके अनुसार आर्थिक अवसर के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल में कुछ कमी आई है, ये भी सही है। नॉर्डिक देशों में सबसे अधिक समग्र लैंगिक अंतराल पाया जाता है, ये आपका गलत है। इसमें एक और दो कथन सही है। सीरिया, इराक, पाकिस्तान अंतिम स्थान पर उपस्थित यमन ने सर्वेक्षण में शामिल देशों में सबसे अधिक समग्र लैंगिक अंतराल दर्शाया है। ठीक, भारत में से 108वां स्थान मिला था। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण थे। इसी तरह के आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।